वैसे तो बॉलीवुड में हर फिल्म को प्रमोट किया जाता है, हर फिल्म की जबरदस्त जोरों शोरों से तारीफें होती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इस वक्त कि सामने से आर माधवन ने आकर काफी कुछ कह दिया है एक ऐसी फिल्म के लिए जिस फिल्म के बारे में कोई ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर, जिसमें आपको दर्शन कुमार से लेकर मिथुन चक्रवर्ती से लेकर अनुपम खेर तक कई सारे फैबुलस एक्टर्स नजर आ रहे हैं, पल्लवी जोशी भी हैं। अब ऐसे में क्या इस फिल्म को रिस्पॉन्स मिल रहा है और उसी के साथ साथ आर माधवन ने सामने कर क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म पर बहुत लोगों की नजर है और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ये फिल्म बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये फिल्म सोशल मीडिया पर कमाल दिखा रही है। थिएटर्स में लोग एक्चुअली इस फिल्म को देखने जा रहे हैं, जबकि हैरानी की बात यह है कि बॉलीवुड के बड़े क्लैंस जो है वो इस फिल्म को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो इस लूप से बाहर निकलकर अलग काम कर रहे हैं। जी हाँ, चाहे वो आर माधवन हो, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे वो ऑफ कोर्स रिसेंटली अक्षय कुमार हो। अब ऐसे में अक्षय कुमार के बाद आर माधवन ने भी पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट शेयर करते हुए आर माधवन लिखते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने कश्मीर फाइल्स का, द कश्मीर फाइल्स का उन्होंने ट्रेलर शेयर किया और लिखा है, हियरिंग सच ऑसम एंड फैंटास्टिक रिव्यूज ऑन दिस फिल्म फ्रॉम द पब्लिक, कांट वेट टू सी इट। आई एम श्योर विवेक अग्निहोत्री हैज कम अप विद अनदर कंपेलिंग एंड हार्ड हिटिंग पीस ऑफ वर्क, कांग्रेचुलेशंस टीम। और बहुत सारे रेड हार्ट्स उन्होंने पोस्ट किए हैं एंड डेफिनेटली ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फिल्म है। और कहीं ना कहीं माधवन ने जिस अंदाज में ट्वीट कर इस पोस्ट को शेयर किया है, ट्वीट कर सपोर्ट किया है, उससे यही साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि माधवन भी भेड़ चाल में चलना प्रेफर नहीं करते हैं और उन्हें जो चीज अच्छी लगती है वो उस चीज पर सामने से आकर सपोर्ट दिखाते हैं। आपको क्या है कहना कश्मीर फाइल्स को लेकर, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छी लगी, मुझे लगता है हर भारतीय को देखनी चाहिए। और हमारी जो इतिहास है जिसका सबसे काला सच जो है और जो हमसे छुपा के रखा हुआ है, वेल मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ इसके बारे में, लेकिन आई थिंक हर एक युवा को देखनी चाहिए कैसी हमारी जो हमारी हमारे देश के जो कैंसर है, टुकड़े गैंग सबको एक्सपोज करती हुई ये जो फिल्म है, हर भारतीय को देखनी चाहिए और इसको टेक्स्ट भी हर जगह करना चाहिए। और विवेक जी को, पल्लवी जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं आज इन्होंने धो दिए सबने।